जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारे सवालों में आपको डाउट होता है, इसलिए हम डाउट क्लियर सीरीज चला रहे हैं। अगर आपको किसी सवाल में डाउट है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना डाउट वाला सवाल भेजिए, आपको इस सीरीज में सोल्व करके बता दिया जाएगा। तो आपके सामने जो क्वेश्चन रखा गया है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम अलग तरीके से सोल्व करके बताएंगे। हम जब भी किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तरीका अलग रहता है, ट्रिक रहता है उसमें। तो प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियोज अवेलेबल है, अगर आप चाहते हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज देखना, डाउट वाले सीरीज में जितने वीडियो हैं उसको देखना, तो जाके आराम से प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, है ना। और पहली बार आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए सवाल क्या है, यहाँ पे ए इक्वल टू दिया गया है, एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, 2, 3, 1, 4 इसके एलिमेंट है। तो आपसे क्वेश्चन में देखिएगा क्या कहा जा रहा है, देन एडजॉइंट पूछा जा रहा है, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? तो जब भी 2x2 ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, समझिए। यहाँ पे एक ट्रिक याद रखिएगा जल्दी से, ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्टिव टेक्निक अप्लाई करेंगे। अगर ए इक्वल टू दिया है, ए बी सी डी ऐसे दिया गया है, तो देखिए क्या करिएगा यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। देखिए क्या करना है आपको, ए और डी को अदला बदली कर देना है। तो डी चल जाएगा यहाँ पे और ए चलाएगा यहाँ पे, और बी और सी का चिन्ह बदलना है, ए और डी को अदला बदली करना है, बी और सी का चिन्ह बदलना है। तो माइनस बी माइनस सी, यही क्या हो गया हमारा, एडजॉइंट हो गया। ट्रिकली ऐसे हम लोग फटाकदे बना सकते हैं, समझ रहे ना। यहां देखिए इसका क्या होगा आंसर, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होगा, ए और डी को चेंज करना है और बी और सी को चिन्ह चेंज करना है। तो 4 ये माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 1 कितना होगा, 2 होगा, 2 चला गया 4 के पास, 1 चला गया उसके बाद, 4 चला गया 2 के पास, 3 और 1 का साइन चेंज कर दिया हमने, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, समझ रहे ना। अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा है आपको, टेक्निक समझ में आया है, तो आराम से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे अच्छा लगा है और दोस्तों को शेयर करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगले वीडियो में मिलेंगे।